हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉड कॉम्बिनेशन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉड कॉम्बिनेशन होता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स के लॉड होते हैं, डेड लॉड, लाइव लॉड, विंड लॉड, अर्थक्वेक लॉड। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग सभी लॉड को रेसिस्ट करे, यानी कि जब डेड लॉड लग रहा है उस टाइम पे विंड लॉड भी होगा, हो सकता है, और लाइव लॉड भी होगा, तो सारे लॉड एक साथ भी हो सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लॉड को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि जब हम डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग को तो केवल एक लोड के लिए नहीं, उनके कॉम्बिनेशन से करते हैं, डेड प्लस लाइव, कि दोनों लोड एक साथ बिल्डिंग पे हैं और तब वो उसको रेसिस्ट करें। और उसमें हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ले लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस लोड, इसको बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे हम बनाते हैं, IAS कोड में बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, उनमें से एक आध कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे स्टैट प्रो में कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक जैसे कि ये एक मॉडल बना हुआ है, उसी को ले लेते हैं। इसमें देखते हैं लोड कौन कौन से लगे हुए हैं हमारे। इसमें हमारा एक है आपका डेड लोड, एक है विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन, एक है विंड लोड इन माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, जैसे कि 1.5, ये 1.5 क्या है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और डेड लोड प्लस विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग में डेड लोड तो लग ही रहा है, प्लस उस टाइम पे एक्स डायरेक्शन में हवा भी चल रही है, ठीक है। तो उस टोटल लोड को रेसिस्ट करे बिल्डिंग, उस फोर्स के लिए हम इसको डिजाइन करेंगे, इनटू 1.5, यानी कि जो लोड इस पे लग रहा है, अगर बाय कभी प्रोबेबिलिटी हुई कि उससे ज़्यादा लोड लग रहा है, तो थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अभी मैं एनालाइज करता हूँ इसको, और इस बीम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस बीम के डाटा रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेंडिंग मोमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से, देखिए यहाँ पे लोड दिया हुआ है विंड लोड इन माइनस एक्स, ठीक है। डेड पे कर दूंगा, ये डेड लोड की वजह से है, और ये है आपका विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन हम चाहते क्या है कि विंड लोड प्लस डेड लोड इंटू 1.5 की वजह से बेंडिंग मोमेंट आए, तो इसलिए हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, लोड के डिटेल पे क्लिक करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे देखिए आ रहा है डिफाइंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिफाइंड कॉम्बिनेशन करने के बाद यहाँ पर टाइटल डालना है आपको, मैंने डाल दिया 1.5 ब्रैकेट डेड लोड प्लस विंड लोड इन एक्स, ये टाइटल, ठीक है। उसके बाद जो हमने लोड पहले से लगाए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे है। तो मेरे को कौन कौन सा लोड चाहिए, डेड चाहिए, मैं इस एरो से इधर ले गया, और हमें चाहिए विंड लोड इन एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो लोड मुझे इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए चाहिए, उन लोड को मैं एरो से इधर ले गया, ठीक है। उसके बाद इनके आगे अल्फा ही फैक्टर लिखा हुआ है। तो जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये वाला, इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1.5 का। तो मैंने फैक्टर क्या किया, 1.5, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया, यस क्लोज। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन चुका है, 1.5 डेड लॉस प्लस कॉम्बिनेशन। अब मैं दोबारा इसको एनालाइज करता हूँ स्ट्रक्चर को, बेंडिंग मोमेंट एक्टिवेट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन, यानी कि अब जो हम डिज़ाइन करेंगे तो इस मोमेंट के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, मैक्सिमम मोमेंट के लिए, ठीक है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया मैनुअली बनाया अपनी तरफ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन, ऑटोमेटिक स्टैट प्रो बनाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लोड केस पे जाना है, ऐड जाना है, और ये रहा ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है, जैसे इंडियन कोड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जनरल या प्लास्टिक, जनरल पर क्लिक कर जनरेट लोड किया, ठीक है। देखिए 11 कॉम्बिनेशन इसने बना दी ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू कोड,
जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा ये सारे इधर बन जाएंगे। एक बार आपको समझा देता हूँ उनका मतलब क्या है। फर्स्ट का मतलब देखिए, फर्स्ट में क्या है, वन वन का मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये इसने 11 बनाया उसका फर्स्ट, उसके बाद डबल डॉट है, उसके बाद फिर है वन। इस वन का मतलब है, ये वाला जो वन है इसका मतलब है आपका लोड वन। लोड वन क्या है, डेड लोड। उसके बाद है 1.5, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है 1.5 इंटू डेड लोड। ठीक है, अब कोई और सिक्स का सेवन्थ का मतलब समझिए, सेवन्थ का मतलब क्या है, सेवन्थ का मतलब है 1.1, ये जो वन है फर्स्ट वन, ये क्या है, डेड लोड। ठीक है, उसके बाद है आपका 1.5 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है टू, टू क्या है आपका, ये विंड लोड इन एक्स, प्लस का निशान लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई कितना है 1.5। तो जो कॉम्बिनेशन हमने अभी बनाया ये वही है सेवन्थ वाला, 1.5 इंटू डेड लॉस प्लस विंड लोड एक्स। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं क्लोज। तो देखिए ये बन गए 11 कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि एडिट ऑटो रो ऑटो लोड रूल से, जब हमने लोड कॉम्बिनेशन बनाए अगर उनको एडिट करना है एडिटर में जाके, जैसे कि ये सेवन्थ है इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये यहीं पे देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.2, मैं चेंज करना चाहता हूँ 1.3, तो मैं एडिटर में गया, और एडिटर में लास्ट में देखिए लोड कॉम्बिनेशन सेवन्थ ये रहा, इसमें ये 1.2 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया 1.2 को 1.3, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया 1.3, और सेव करके बाहर आ गया। अब जाके देखते हैं लोड कॉम्बिनेशन सेवन्थ में 1.3 हुआ नहीं हुआ, देखिए 1.3। तो ये थे लोड कॉम्बिनेशंस। देखिए एक बार और एनालाइज करते हैं लोड कॉम्बिनेशन के बाद। एक बीम को सिलेक्ट करा हमने, राइट क्लिक करके किया न्यू व्यू, जिससे वो बीम केवल दिखाई दे। बेंडिंग मोमेंट सिलेक्ट किया, ये कोई भी फोर्स, ये शियर फोर्स है तीन आपके, ये तीन बेंडिंग मोमेंट है और ये डिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप वैल्यू देखना चाहे तो देखिए, हम वैल्यू देखते हैं यहाँ से, हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग, यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर हम बेंडिंग मोमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे रिजल्ट व्यू वैल्यू, और यहाँ बीम रिजल्ट में बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम और मिड पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होता है वैल्यू भी लिखी आती है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट डेड लोड है उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आ रही है, नाइन मैक्सिमम आ रही है 9.3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विंड लोड एक्स के लिए कितनी आ रही है, 9.3 से कम ही है। फिर हमारा विंड लोड इन माइनस एक्स नहीं है। फिर हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन में कितनी आ रही है, 26.36, अभी तक मैक्सिमम आ रही है 26.6। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फिफ्थ में भी कोई नहीं है, सिक्स्थ में 21 है, अभी भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 21 है मैक्सिमम, 11 26 पॉइंट ये इक्वल है, यानी कि 11th कॉम्बिनेशन में भी हमारा उतना ही आ रहा है बेंडिंग में। 12th में भी नहीं है, 13th में भी नहीं है, 13th में है अभी नहीं है, हाँ 14th तो में भी नहीं है, 15th में भी नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा 11th में आ रहा है, 11th कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम मेन्यू, तो हम जब डिज़ाइन करेंगे तो किस मोमेंट के लिए डिजाइन होगा, इसके लिए। ठीक है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं मैक्सिमम मोमेंट के लिए। इस तरह डिफ्लेक्शन में देखें 11th में ज़्यादा है क्या नहीं है, देखते हैं। डिफ्लेक्शन एक्टिवेट कर देता हूँ मैं यहाँ से, और वही रिपोर्ट में जाके, वो सॉरी रिजल्ट में जाके व्यू वैल्यू बीम रिजल्ट ये हटा देता हूँ बेंडिंग मोमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 11th में आ रहा है 323 mm। चलो उसे देखते हैं डेड लोड में इतना आ रहा है, ये खुद ही चेंज ले रहा है, मैं माउस कर्सर इसके ऊपर रख के स्क्रॉल घुमा रहा हूँ। 2 में आ रहा है 216 mm, 3 में 216, 4th में आ रहा है 323, 323, 323,
और 11th में 323 आ रहा है, तो सॉरी सॉरी 12th में आ रहा है डिफ्लेक्शन 325। ठीक है, मैक्स एंड डिफ्लेक्शन इसमें आ गया। इस तरह से हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो आइकन है बेल का, उस पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो मैं अपलोड करूँ। और फ्यूचर में मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की वीडियो डालने वाला हूँ। जैसे मेरे को मेरी ऑफिस से छुट्टियाँ होंगी, मैं बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर ट्रोल डालूंगा, तो उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हो सकता है स्टेट पर आपके काम का ना हो और सॉफ्टवेयर काम के हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।